दोस्तों, आज जो पजल हम लोग सॉल्व करने वाले हैं वो इस बार 6 फरवरी को जो ECGC PO का एग्ज़ाम हुआ था उसमें आ चुका है। ये बॉक्स बेस्ड पजल है। काफ़ी सारे रिक्वेस्ट भी थे बॉक्स बेस्ड पजल करने के, तो चलिए अच्छी बात है कि आज हम लोग मेमोरी बेस्ड ही कर रहे हैं जो कि अभी अभी एग्ज़ाम में आ चुका है। ठीक है, तो ये आप लोगों के लिए भी काफ़ी फ़ायदेमंद है क्योंकि अगर आप लोग सिंडिकेट PO या फिर केनरा PO के एग्ज़ाम में अपियर होने वाले हैं तो आप लोगों को पता चल सकेगा कि अभी अभी जो एग्ज़ाम हुआ है उसमें क्या लेवल थी, क्वेश्चन कैसे थे। तो चलिए क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन आपके सामने में है, इसे आप लोग एक बार सॉल्व कीजिए, उसके बाद फिर मेरी अप्रोच भी देखिएगा। तो चलिए, तो दोस्तों क्वेश्चन आप लोगों ने देख लिया होगा, तो चलिए शुरू करते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राहुल और आप देख रहे हैं बैंकिंग गुरुजी। तो दोस्तों क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि 5 बॉक्सेस PQRS and TR आर प्लेस्ड वन अबव द अदर, दे ऑल हैव डिफरेंट शेप लाइक पिरामिडल, पेंटागन, कॉनिकल, सर्कुलर एंड सिलेंडर। देखिए, 5 बॉक्सेस हैं जो कि एक के ऊपर में एक रखे हुए हैं और सभी अलग अलग शेप के हैं, जो कि पिरामिडल, पेंटागन, कॉनिकल, सर्कुलर और सिलेंडर है। अब वो किस तरीके से प्लेस्ड है वो कंडीशन हमारे सामने में दी हुई है, तो चलिए उसको देख लेते हैं। कंडीशन में बोला जा रहा है कि 2 बॉक्सेस आर प्लेस्ड बिटवीन T and R, टी और आर के बीच में 2 बॉक्सेस प्लेस्ड हैं। तो इस तरीके से हमारे पास 2 कंडीशन बन के आती है, टी 1, 2 और आर, एक ये होता है और दूसरा आर है 1, 2 और टी। तो ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी, यहाँ से 2 कंडीशन हम लोग लेकर चलेंगे और बनाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देख लो आप, 1, 2, 3, 4, 4, 1, 2, 3, 4, दोनों में हमें 4 बॉक्स की पोजिशन तो पता है। ठीक है, एक बॉक्स ऊपर या फिर नीचे आ सकता है, तो इतनी चीज़ें हमें यहाँ पे कंफर्म पता चल रही हैं। अब आगे देखते हैं। वन बॉक्स इज प्लेस्ड बिटवीन क्यू एंड कॉनिकल बॉक्स, वेयर क्यू इज प्लेस्ड अबव कॉनिकल बॉक्स। ठीक है, क्यू और कॉनिकल बॉक्स के बीच में एक बॉक्स होगा जहाँ पे कि क्यू जो है वो कॉनिकल के ऊपर में रखा रहेगा। ठीक है, इस तरीके से कॉनिकल के ऊपर में क्यू है और दोनों के बीच में एक बॉक्स रखा गया है। क्यू इज नॉट प्लेस्ड इमीडिएट अबव और इमीडिएट बिलो आर। ठीक है, क्यू जो है वो इमीडिएट नेबर नहीं होगा आर का। इसे हमें इस तरीके से हम लोग इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि ऊपर या नीचे कहीं भी इमीडिएट में क्यू नहीं आएगा आर के। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। टी एंड क्यू आर नॉट पिरामिडल बॉक्स, टी एंड क्यू जो है वो पिरामिडल नहीं होगा। ठीक है, पिरा लिख देंगे, समझ जाएंगे कि पिरामिडल की बात हम लोग कर रहे हैं। फिर नंबर ऑफ बॉक्सेस प्लेस्ड बिटवीन टी एंड कॉनिकल इज सेम एज नंबर ऑफ बॉक्सेस प्लेस्ड बिटवीन पिरामिडल एंड एक्स। टी और कॉनिकल के बीच में जितने बॉक्स रखे जाएंगे उतने ही बॉक्स रखे जाएंगे पिरामिडल और एस के। इससे हमें यह चीज़ समझ में आती है कि टी और कॉनिकल के बीच में जितने बॉक्स रखे जाएंगे उतने ही बराबर होंगे पिरामिडल और एस के बीच में रखे हुए बॉक्सेस के। ठीक है, वन बॉक्स इज प्लेस्ड बिटवीन पेंटागन एंड एस। ठीक है, पेंटागन और एस के बीच में एक बॉक्स रखा जाएगा। इस तरीके से हम लोगों ने इसलिए लिखा है क्योंकि ऊपर या नीचे हमें पता नहीं है। एस एंड क्यू आर नॉट प्लेस्ड ऑन द टॉप मोस्ट प्लेस। ठीक है, एस एंड क्यू जो है वो टॉप पर नहीं रखा जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हम लोगों ने लिख दिया, समझ में आ रहा है, टॉप पे नहीं होगा। उसके बाद सर्कुलर बॉक्स इज इमीडिएट बिलो ऑफ पेंटागन। पेंटागन यहाँ पे है, यहीं पे लिखते हैं कि पेंटागन के इमीडिएट बिलो में हमारा सर्कुलर होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है, इस तरीके से हम लोगों ने नोट कर लिया यहाँ पे। ठीक, अब सारे कंडीशंस नोट हो चुके हैं तो हम लोग यहाँ पे इसे प्लेस करते जाएंगे फटाफट से। ठीक है, तो देख लो यहाँ पे टी और आर के बारे में हमें पता था, आर की दोनों जगह पोजिशन हमारे क्लियर हैं, तो आर से रिलेटेड हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि क्यू आर के इमीडिएट नेबर में नहीं होगा। ठीक है, और क्यू हमारा कहाँ हो सकता है, यहाँ पे देखना, क्यू कॉनिकल के ऊपर में एक छोड़ के क्यू आएगा। ठीक है, और क्यू के बारे में हमें यहाँ पर एक और बात पता है कि क्यू जो है वो टॉप मोस्ट प्लेस पर नहीं आएगा। ठीक है, तो कॉनिकल के ऊपर में एक छोड़ के क्यू वो कैसे आ सकता है, यहाँ पर हमारी चार बॉक्स की पोजिशन क्लियर है। तो देख लो, अगर हम लोगों ने कॉनिकल को यहाँ रखा, ठीक है, तो एक छोड़ के क्यू यहाँ आएगा, लेकिन हमें यह पता है कि आर के इमीडिएट नेबर में क्यू नहीं आ सकता है। ठीक है, तो चलो क्यू अगर यहाँ पे आता है, कॉनिकल हमारा यहाँ पे आता है, तो कॉनिकल के एक छोड़कर क्यू हमारा यहाँ आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। अगर कॉनिकल को हम लोग यहाँ पर रखेंगे तो एक छोड़कर क्यू हमारा यहाँ पर नहीं आएगा क्योंकि टी पहले से है। अगर कॉनिकल को यहाँ रखेंगे तो एक छोड़कर ऊपर में क्यू आएगा लेकिन वो टॉप मोस्ट प्लेस हो जाता है और हमें पता है कि क्यू हमारा टॉप मोस्ट प्लेस पर भी नहीं होगा। तो एक कन्फर्म हमारी प्लेस ये बनती है कि आर हमारा कॉनिकल हो जाता है यहाँ पर। ठीक है, आर कॉनिकल होगा तो एक छोड़ के ऊपर में यहाँ पर क्यू आ जाएगा, ये चीज़ हमें यहाँ पे कंफर्म पता चल रही है। अब यहाँ पर देख लेते हैं, अगर कॉनिकल हमारा यहाँ आता है, ठीक है, तो एक छोड़ के क्यू हमारा यहाँ आ सकता है, हाँ बिल्कुल आ सकता है। अगर कॉनिकल हमारा यहाँ आता है टी की जगह पे, तो एक छोड़ के यहाँ पर क्यू नहीं आ सकता है क्योंकि वो आर के इमीडिएट नेबर में आ जाता है और हमें यहाँ पे पता है कि
क्यू आर के या तो इमीडिएट ऊपर में भी नहीं होगा और इमीडिएट नीचे में भी नहीं होगा। उसी तरीके से अगर हमारा कॉर्निकल यहाँ पे होता है तो ये छोड़ के ऊपर में क्यू यहाँ आएगा और वो आर के इमीडिएट ऊपर में भी होता है और दूसरा टॉप मोस्ट पे भी आ जाता है, जो कि नहीं होना है। तो यहाँ से हमें एक कन्फर्म ये पता चलती है कि यहाँ पर कोई एक प्लेस होगा, बॉक्स होगा, और जो कि होगा कॉर्निकल, और उसके एक छोर के ऊपर में यहाँ पर आपका आ जाता है क्यू। ये चीज़ हमें पता है, ठीक है। तो यहाँ पे इतनी चीज़ें तो हमें पता चल गई हैं, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास पांच प्लेस पता चल चुके हैं, लेकिन यहाँ पे भी चार प्लेस ही पता चले हैं, ठीक है। चलो ये हम लोग नोट कर लिया, ये नोट कर लिया, ठीक है। यहाँ पे से क्यू के बारे में नोट कर लिया, यहाँ पे ये भी हमें पता है कि एस हमारा टॉप मोस्ट पे नहीं आएगा, ठीक है। तो टी और क्यू हमारा पिरामिडल नहीं होगा, ठीक है। अब यहाँ पर देख लो, टी और क्यू, टी से और कॉनिकल से रिलेटेड एक और चीज़ है, जो कि हमारा यहाँ भी टी और कॉनिकल पता है, यहाँ भी टी और कॉनिकल पता है। देख लो, टी कॉनिकल के बीच में जितने बॉक्सेस होंगे उतने ही बॉक्स होने हैं पिरामिडल और एस के बीच में, ठीक है। तो टी और कॉनिकल के बीच में कितने बॉक्सेस हैं? एक, दो, दो बॉक्स हैं। तो पिरामिड और एस के बीच में भी दो ही बॉक्स आने हैं, ये चीज़ हमें पता है। साथ ही साथ यहाँ पे ये चीज़ भी दिख रही है कि टी और क्यू पिरामिड नहीं होने वाले हैं, ठीक है। और एस हमारा टॉप पे नहीं जाएगा, तो एस के लिए यहाँ पे बस एक ये पोजिशन बच रही है और एक ये पोजिशन बच रही है। अगर एस हमारे यहाँ होता है तो एक दो छोड़कर यहाँ पर पिरामिड आने वाला है, जो कि क्यू होगा, और पता है हमें कि क्यू पिरामिड नहीं होगा। तो एस हमारा यहाँ पर ही एक पोजीशन बचता है, तो एस को हम अगर यहाँ पर देंगे तो एक दो छोड़कर यहाँ पर पिरामिड आएगा, ठीक है। तो ये पोजीशन हमारी बनकर आती है, एस हमारा यहाँ आता है तो एक दो छोड़कर यहाँ पर कोई एक बॉक्स होगा, जो कि होगा पिरामिड, ठीक है। ये चीज़ समझ में आ रही है यहाँ पे? तो यहाँ भी देख लेते हैं, यहाँ पे देख लो, टी और कॉनिकल के बीच में कितने बॉक्स हैं? कोई बॉक्स नहीं है, लगातार में है टी और कॉनिकल। तो एस और पिरामिड भी हमारे लगातार में ही आएंगे। तो यहाँ पर देख लो, एक दो तीन चार पाँच, पाँच प्लेस पहले से ही पता है हमें। तो यहाँ पर अगर एस आता है, एस बस यहाँ पर या यहाँ पर, यहीं इन्हीं दो प्लेस पे आ सकता है। अगर एस यहाँ आता है तो पिरामिड आपका यहाँ होगा लगातार में, ठीक है, जो कि टी होता है। और हमें यहाँ पर पता है कि टी और क्यू पिरामिड नहीं हो सकते हैं, तो जाहिर सी बात है एस हमारा यहाँ आएगा। अगर एस यहाँ आता है तो या तो ये पिरामिड होगा या फिर ये पिरामिड होगा। और क्यू के बारे में भी हमें यहाँ पता है कि टी और क्यू पिरामिड नहीं होंगे, तो जाहिर सी बात है कि हमारा आर ही पिरामिड होगा, ठीक है। तो एस हमारा यहाँ आता है और आर हमारा हो जाता है पिरामिड, ठीक है। ये चीज़ समझ में आ रही है यहाँ से? चलो, यहाँ से हम लोगों ने इसको भी नोट कर लिया है, इसको भी नोट कर लिया है। देख लो, अब यहाँ पे हमारे पास एक दो तीन चार पाँच, पाँच बॉक्स के प्लेस पता है, और जिसमें से कि चार हम लोगों ने नोट कर लिया है। एक कौन सा बच रहा है? पी। पी हमने अभी तक नोट नहीं किया है, तो यहाँ पर आपका पी आ जाएगा। उसी तरीके से यहाँ भी देख लो, एक दो तीन चार पाँच, पाँच बॉक्स बॉक्स के प्लेस हमें पता है, चार हम लोगों ने नोट कर रखा है, तो एक यहाँ पे बचता है पी। पी यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। तो पांचों बॉक्स हमें पता चल चुके हैं, अब बस सेव पता करने हैं। तो आइए देखते हैं कि यहाँ पे एस और पेंटागन के बीच में एक बॉक्स आने हैं। यहाँ पर एस हमारा है तो एक बॉक्स छोड़ के नीचे में पेंटागन के लिए तो पोजिशन बचती नहीं है, तो ऊपर में ही जाएगा। एस से एक छोड़ के यहाँ पर आपका आ जाता है पेंटागन, ठीक है। ये चीज़ समझ में आ रही है? वही चीज़ यहाँ भी देख लेते हैं, एस से ऊपर में तो प्लेस खाली नहीं है पेंटागन के लिए, तो नीचे में ही जाएंगे। एस यहाँ पर है तो एक छोड़ के यहाँ पर आपका आ जाता है पेंटागन, ठीक है। ये हम लोगों ने नोट कर लिया। तो अब पेंटागन के इमीडिएट नीचे में होगा सर्कुलर, ठीक है। यहाँ पे देख लो, पेंटागन के इमीडिएट नीचे में आपका आ रहा है सर्कुलर बॉक्स। तो पेंटागन यहाँ है तो उसके इमीडिएट नीचे में आपका आएगा सर्कुलर, ठीक है। यहाँ पे सर्कुलर आ गया। अब यहाँ पे देख लो, पेंटागन यहाँ है तो उसके इमीडिएट नीचे में पहले से ही कॉनिकल है, तो सर्कुलर की पोजीशन यहाँ पर बचती नहीं है। तो ये कंडीशन हमारा हो जाता है यहाँ से कैंसिल। अब बस एक ही कंडीशन बच रही है, यहाँ पे इसे भी हम लोगों ने नोट कर लिया है। सारे कंडीशन हम लोगों ने नोट कर लिए हैं। अब देख लो, पाँच बॉक्स हमें पता चल चुके हैं और चार शेप पता चल चुके हैं, बस एक ही शेप बच रही है खाली, जो कि हमारे पास कौन सी है हम लोग एक बार देख लेंगे, वो है सिलेंडर। यहाँ पे हम लोग लिख देंगे सिलेंडर, ठीक है, क्योंकि सिलेंडर की पोजीशन अभी तक हम लोगों ने कहीं पर नहीं की थी। तो ये यहाँ पर ये हमारा हो जाता है सॉल्व। इस तरीके से आप लोग देख सकते हो कि कितने आसानी से हम लोगों ने इस पजल को कर लिया है सॉल्व। जहाँ पर हमें पांच बॉक्स भी पता चल गए हैं और पांचों के सेप भी क्या होने हैं वो भी पता चल चुके हैं। तो देखा आप लोगों ने, ज़्यादा मुश्किल थी नहीं, आप लोगों ने भी इसे सॉल्व कर लिया होगा, तो अच्छा लगा होगा आपको, ये वीडियो पसंद आया होगा। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो पसंद आया आपको तो इसे लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें, और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब भी कर लें, ताकि इस तरीके के अच्छे क्वेश्चंस, अच्छे पजल्स और अच्छे वीडियोस मैं आपके लिए हमेशा लेकर आता रहूँगा। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, क्योंकि ये भी मेमोरी बेस्ड था, जो कि अभी हाल ही में एग्जाम में पूछा गया है। तो मिलता हूँ दोस्तों आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।